मेरा इलाका डॉट कॉम में आपका स्वागत है सर। पिछले साल बारिश के अंदर नल बाज़ार है, भिंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड, इन काफ़ी जगहों पर पानी भर चुका था। तो अब मानसून नज़दीक है, तो इस मानसून के लिए आपने क्या तैयारी की है? देखिए, लास्ट ईयर जो था नल बाजार गोलदेवर, वो इलाके का पानी ताड़देव चला जाता है, ताड़देव से लेके महालक्ष्मी से लेके आउटफॉल को चला जाता है, कि जो आउटफॉल हाजी अली दरगाह के सामने है। तो लास्ट ईयर है, उसके पहले लास्ट ईयर वो जो अपना आउटफॉल है स्टॉर्म वाटर हेड का, तो वो आउटफॉल में जो पंप लगे हुए थे, उस पंप की जो डिस्चार्ज की कैपेसिटी थी वो फर्स्ट टाइम शुरू हुए थे। तो यहाँ का जो पानी है शायद प्रॉपर तरीके से डिस्पोज हो ना पाया, उसके लिए कुछ एक 10-20% ज़्यादा फ्लडिंग हो पाया, लेकिन इस साल में वो केयर ली गई है। और वो जो पंप टेस्ट किए गए, सभी पंप अच्छी तरह से चल रहे हैं, और यहाँ पूरा पानी फ्लश आउट हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होगी। और भी केयर ली गई है, जो वाटर एंट्रेंस है नल बाजार और गोलदेवल एरिया के, सभी वाटर एंट्रेंस साफ किए गए हैं। अभी आज की तारीख में वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपने मानसून की क्या-क्या तैयारी की है? इसके अलावा मरीन ड्राइव के सामने जो आउटफॉल्स है, कि जो हार्बर इंजीनियर के और पीडब्ल्यूडी के इलाके में आते हैं, वो सभी आउटफॉल के मुंह के ऊपर जो जमा हुई रेत वो निकाल दी गई है। तो उसके लिए एच रोड और जितने मरीन ड्राइव फ्लाईओवर, उसके नीचे जो पानी जमा होता है वो इस साल नहीं होगा। अब वार्ड लेवल पे काफ़ी काम हो चुका है, नियर अबाउट 90-95% काम हो चुका है, बस अभी 5% काम है, वो कंप्लीट हो जाएगा 1-2-3 दिन में, तो आपको दिखाई देगा वहाँ पर। उम्मीद करेंगे कि नल बाजार, मरीन लाइंस, ये ऐसी जगहों पर जहाँ जो समतल ज़मीन से नीचे है वहाँ मानसून का पानी जमा नहीं होगा और इस साल बारिश का मज़ा पूरी तरह से लिया जाएगा। जी हाँ जी हाँ, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं अजय मेहता, उनके डायरेक्शन में हमने काफ़ी काम कर चुके हैं, और उनके डायरेक्शन में सभी केयर ले चुके हैं। उन्होंने जो जो डायरेक्शन दिया वो हिसाब से सभी उम्मीद कर सकते हैं इस बार बारिश का अच्छी तरह से मज़ा ले सकते हैं। किसी भी जगह पर फ्लडिंग नहीं हो पाएगी, जो भी सीवॉर्ड एरिया का एरिया हो। मेरा इलाका डॉट कॉम में बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।